हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे डब्ल्यू बी येट्स जो हैं, जो रोमांटिक पोइट हैं, लास्ट रोमांटिक पोइट, और इनको विक्टोरियन पोइट भी माना जाता है और इनको मॉडर्न पोइट भी माना जाता है, यानी कि ये काफ़ी पॉपुलर हैं। और क्योंकि इनको 1923 के अंदर क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला है, जो आप सभी जानते हैं। तो इनकी एक पोइम है द सेकंड कमिंग, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पोइम है इन्होंने काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के अंदर लिखी है। आपको पता होगा 1914 और 1918 ये इस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस टाइम एंड होता है। ये जो चार सालों का पीरियड है 1914 से लेकर के 1918, ये जो पीरियड है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और क्या है, होपलेस। यहाँ पर जो लोग जो है वो काफ़ी होपलेस हो जाते हैं उस टाइम। इनको इसीलिए डब्ल्यू बी येट्स को एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट माना गया है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम अनार्की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्या हो गया था, डिसऑर्डर, जिस टाइम लोग निराशा से भर गए थे, उस टाइम इन्होंने लोगों के अंदर आशा की किरण जगाई थी। और उन्हीं लोगों को इन्होंने डेडिकेट किया क्या, द सेकंड कमिंग जो पब्लिश होती है 1920 के अंदर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट 2 ईयर्स बाद में इस पोइम को पब्लिश करते हैं। इस पोइम में पोइट कहता है क्या कि गॉड जीसस का दोबारा जन्म होने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इनके इमेजिनेशन देखिए। इस पोइम में क्या कहता है पोइट कि गॉड जीसस का दोबारा जन्म होने वाला है, जो कि नई जनरेशन का विकास करेगा, नई जनरेशन का विकास कर होने वाला है। यानी कि लगभग 2000 ईयर्स पहले का नया समय दोबारा से स्टार्ट होगा। ये क्या है, जो क्राइस्ट को मानने वाले लोग थे, जो गॉड जीसस को, जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, उन लोगों को जब ये संदेश मिला, चाहे जन्म हो या ना हो, मगर लोगों को क्या मिलता है, एक आशा, एक आस बनती है। और आपको पता है कि आशा से भरकर के जीवन में किसी भी मुसीबत को पार किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि गॉड जीसस का दोबारा जन्म होगा, जो कि 2000 साल पहले का जो लाइफ था, जो उस टाइम का जो लोगों के अंदर, जो समाज के अंदर, जो दुनिया के अंदर जो पहले वाली शांति थी, वो दोबारा से लौटेगी। पोइम का कंक्लूजन यही निकलता है कि पोइट काफ़ी क्या है, परेशान है। पोइट क्या है, काफ़ी परेशान है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, और निराशा ही निराशा दिख रही है। इन दिस पोइम डब्ल्यू बी येट्स बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। जो हमारी मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, नई सभ्यता के जो लोग हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, अवे फ्रॉम इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, एंड मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग, और वो पतन की ओर जा रहे हैं। देखिए इस पोइम के अंदर डब्ल्यू बी येट्स जो हैं वो सेकंड कमिंग को लोगों के बीच में लेकर आए, और इससे इनकी ये पोइम जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम इस पोइम को लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले तो क्या रखना है, इनकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है, 1920 के अंदर होती है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के अंदर आशावादी को जीवन रखना, जीवित रखना, लोगों के अंदर आशा को जीवित रखना, लोगों के अंदर निराशा को दूर करना, यही इस पोइम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम इस पोइम में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो द सेकंड कमिंग पोइम है, इसके अंदर 2 स्टेंजा हैं। जो पहला स्टेंजा है इसके अंदर 8 लाइन्स हैं, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर कितनी लाइन है, 8 लाइन्स हैं, और जो सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर 14 लाइन्स हैं, यानी कि 8 + 14 = 22, यानी कि 22 लाइन की पोइम है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें 8 लाइन्स ऑफ द पोइम डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज इट सीन बाई द डब्ल्यू बी येट्स, यानी कि पहली जो 8 लाइनें हैं उनमें डब्ल्यू बी येट्स ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सिचुएशन को देखी है उसको बयान किया है, जिसके अंदर चीज़ों का टूटना, यानी कि कोई भी वार होता है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर ले लो, चाहे वो हमास और इज़राइल का वॉर ले लो, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश ही विनाश है। लोग क्या भर जाते हैं, एंजाइटी से लोगों में निराशावादी भर जाती है। तो ऐसा ही उस टाइम हुआ था और जैसा ही आज हो रहा है, यानी कि सिचुएशन बदली नहीं है, वैसी है, सिचुएशन बदली नहीं है, वैसी है। आज हमास और इजराइल के लोगों को देख लो,
उन लोगों का जीने की आस ही छूट गई है आज। तो ऐसा ही उस टाइम हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो चीजों का टूटना, डिस्ट्रक्शन हुआ, अराजकता यानी कि अराजकता फैली और क्या निराशा आदि का वर्णन करता है। आपको चीजों का टूटना मिलेगा, अराजकता मिलेगी, निराशा मिलेगी। फर्स्ट 8 लाइंस के अंदर यही लिखा गया है। इन दिस स्टेंजा पोइट सेज दैट, पोइट इस स्टेंजा के अंदर क्या कहता है कि सबसे अच्छे लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है। देखिए इसमें पोइट जो है डब्ल्यू बी येट्स वो काफी एक बुद्धिमानी की बात करते हैं कि सबसे अच्छे लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, लेकिन सबसे बुरे लोग क्या होते हैं, तरुता से भरे होते हैं, यानी कि वो फैनेटिज्म और क्या इंटेंसिटी से भरे होते हैं, वो उग्र होते हैं। जो हमारी फैनेटिज्म है और वायलेंस, यानी कि तरुता जो है और वायलेंस है, ये क्या कर जाती है, ओवरटेक कर जाती है इनके अच्छे लोगों के। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में इसने यही बताया है। और नेक्स्ट इसमें सेकंड स्टेंजा में क्या बताते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो द सेकंड कमिंग का जो सेकंड स्टेंजा है, जिसके अंदर कितनी लाइंस है, 14 लाइंस का स्टेंजा है। जो सेकंड स्टेंजा है ये 14 लाइंस का है, यानी कि टोटल ये 22 लाइंस की पोइम है। इस सेकंड स्टेंजा के अंदर क्या करता है पोइट, गिव्स विजन ऑफ द सेकंड कमिंग। इस सेकंड स्टेंजा के अंदर फर्स्ट में तो वो क्या करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको दिखाता है, और सेकंड के अंदर ये क्या दिखाता है, ऑप्टिमिज्म। क्या दिखाता है, ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादिता को दिखाता है, आशावादी। ये पॉइंट जो है वो आशावादी हो जाता है सेकंड स्टेंजा के अंदर। और ये डिस्क्राइब करते हैं स्पिरिचुअस मुंडी, यानी कि एक बिट्स एनिमल है, एक बिट्स एनिमल का जिक्र करता है। इसमें ये बात करते हैं कि लाइंस बॉडी एंड मैन हेड, यानी कि ये जिस एनिमल की बात कर रहे हैं उसका शरीर किसका होगा, शेर का, और उसका जो हेड है यानी कि ये जो हेड है, सिर वाला पार्ट है, ये किसका होगा, आदमी का। और वो जो लाइंस बॉडी एंड मैंस मून है, मैंस माउथ है, जो बिट्स एनिमल है, ये तीन चीज़ें करेगा क्या, एक एंटीथेटिकल सिविलाइजेशन जो है उसको ख़त्म कर देगा। क्या एंटीथेटिकल सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन के विरुद्ध है, जो समाज के अंदर जो अराजकता फैला रहे हैं, जो वायलेंस फैला रहे हैं, उनको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। सेकंड है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो वॉर के अंदर जो लोगों को मार रही हैं, जिसके अंदर दया रहता है, जो पिटीलेस है, क्या है, पिटीलेस। एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, कौन, बिट्स एनिमल। और सेकंड है क्रूल पीपल एंड पिटीलेस पीपल को क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा, जिससे जो 2000 साल पहले का, जो दुनिया के अंदर जो 2000 साल पहले जो शांति थी, जो प्यार था, जो प्रेम था, वो दोबारा से लौट के आ जाएगा, ऐसा डब्ल्यू बी येट्स का मानना है। तो ये एक लोगों के अंदर क्या देता है, एक होप देता है, क्या देता है, एक होप देता है। और होप, क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, होप सस्टेन्स लाइफ, यानी कि आशा से जीवन भरा होना चाहिए, आशा पर जीवन आधारित है, तो होप सस्टेन्स लाइफ। इस पोइम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा और हमेशा आशावादी होना चाहिए, इंसान को आशावादी होना चाहिए। क्योंकि जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये एक पॉइंट है, एक लाइन है, ये लाइफ है, और ये लाइफ जो है वो यहाँ से जाकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका क्या होता है, एक पीक होता है। ज़िंदगी में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका एक पीक होता है। मान लीजिए ये लाइफ है, ये लाइफ हो गया, अगर दुख होंगे तो भी इसी पॉइंट तक आएंगे, इस पीक तक आएंगे, ये पीक है इसका। तो ये लाइफ में जैसे सुख चल रहे हैं, तो सुख यहाँ पर आए और फिर बाद में क्या आ जाएंगे, दुख आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर मान लीजिए आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या है, दुख है, यहाँ पर ये जो पीक है ये किसका है, दुखों का, तो यहाँ पर सुख स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए लाइफ में आपके सामने अगर अभी दुख है, आपकी लाइफ में तकलीफें हैं, आप परेशानी में हैं, तो घबराएं ना। डब्ल्यू बी येट्स यही कहते हैं कि एक दिन क्या होगा, द सेकंड कमिंग होगा, यानी कि वो यही सिखा रहे हैं कि लाइफ के अंदर जैसे पीक, हर चीज़ का एक पीक होता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो। तो आप हमेशा क्या रखें, होपफुल रहें,
ताकि आप जीवन में कुछ कर सकें। और आज के लिए इतना ही। आशा है मुझे कि ये पोइम जो है द सेकंड कमिंग मैं आपको कुछ बता पाया इसके बारे में और आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिली। तो अगर आप इस वीडियो को नए हैं इस वीडियो पर तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।